हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा गाजा युद्ध, बाइडेन ने कहा। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास की हमला करने की क्षमता खत्म होने तक युद्ध रहेगा, बाइडेन ने कहा। बाइडेन के शॉट्स प्लीज। इसराइल को हमास के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार, बाइडेन ने कहा। इसराइल पर फिर हमले की कोशिश में हमास, बाइडेन ने कहा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर है राहुल, सीधे आइए, ये बड़ी खबर राहुल। इस खबर की वॉल के तीन पॉइंटर्स में लूंगा, फिर इस खबर की ब्रेकिंग और पहले वाली खबर की वॉल के साथ सीधे गेस्ट के पास। इसराइल पर हमला करने की क्षमता खत्म होने तक युद्ध, नंबर वन। नेक्स्ट, हमास ने इसराइल में नरसंहार किया, बाइडेन ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए, हमास फिर हमला करने की योजना बना रहा है। पहली वाली खबर की वॉल और इस वाली खबर की ब्रेकिंग सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, योर क्विक टेक, आप क्या कहेंगे? आपने मुझे हॉस्टेजेस को लेकर सबसे पहले सवाल खड़ा किया था, ये बोल रहे हैं कि सीज फायर नहीं करेंगे, और हॉस्टेजेस फिर कैसे रिलीज होंगे सर? देखिए, बात समझने की ये है कि हमास की साइके को समझना पड़ेगा। टेररिस्ट हैं जी, 50 को क्यों रिलीज कर रहे हैं, पूरे 250 को क्यों नहीं रिलीज करते, और ये 3 दिन की क्या मतलब है? ये रिलीज करने के लिए घंटे भर बहुत है, यानी कि वो चाहते क्या है कि 3 दिन, 8 दिन, 5 दिन मिल जाए सीज फायर के, जिससे अपने आप को रीग्रुप कर सके, जिसको अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह फिर ले जाएं और कहीं और किसी अस्पताल में छुप जाएं, किसी और स्कूल में छुप जाएं, किसी और पॉपुलेटेड एरिया में छुप जाएं, फिर दुनिया परेशान हो कि नहीं पैलेस्टीन्स को मार रहे हैं। देखिए, हमास की 40 दिन हो गए हैं, हमास की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है जी। वो होस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम IDF के ऊपर हावी हो जाएं, लेकिन IDF इज अ रेगुलर ट्रेंड इक्विप्ड आर्मी, वो हावी नहीं होने देगी। वो क्यों मानेगी सीज फायर? आप पहले तो ये बताइए कि 250 आदमी हमारे छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे, ये 50 का क्या मतलब है? अगर 50 छोड़े तो आई डोंट एग्री विद दिस। यू मेड अ पॉइंट सर, यू मेड अ पॉइंट सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, यू मेड अ वैलिड पॉइंट सर, लेकिन आज की बड़ी खबर इसराइल में नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग, बड़ी खबर, नेतन्याहू को PM पद से हटाने की मांग तेज। ये देखिए, विपक्ष के नेता यार लैपिड ने की मांग विद अ वीडियो राहुल नाउ। जनता को नेतन्याहू पर भरोसा नहीं, लैपिड ने कहा। लैपिड के शॉट भी दिखाइए जरा। युद्ध के बीच नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। सीधे आइए राहुल, ये खबर में ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइएगा, शॉट्स यार लैपिड के दिखाइएगा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके धुर विरोधी हैं। नेतन्याहू पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है यार लैपिड, और ये देखिए जरा, वो भी इमरजेंसी कैबिनेट बनने के बाद। ये देखिए, विपक्ष के नेता यार लैपिड ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की है, बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक है, राहुल मुझे बस एक सेकंड के लिए कैम 4 पे कट करिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। अब से एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर मैं न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हमले को लेकर, गाजा में न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेकर बहुत बड़े खुलासे कर रहा हूं अब से 1 मिनट में, प्लीज बी विद मी। लेकिन उससे पहले, सरकार नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री बदलने की मांग की है, ये सरकार नहीं प्रधानमंत्री बदलने की मांग की है, बड़ी खबर। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को लेकर नेतन्याहू को घेरा गया है। नेक्स्ट दिखाइए, नेतन्याहू सरकार को हमास रोकने में विफल बताया है, हमास को रोकने में विफल बताया, ये बड़ी खबर आ रही है।